नमस्कार, मैं श्रेयस तलपति और आप सब देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। हाय, दिस इज मंजरी फडनस एंड यू आर वाचिंग वायरल बॉलीवुड। तुकाराम बाबा की जय हो। तुकाराम, कैसे हैं आप? आर माजा माइक है ना ये गड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदी समझते हैं आप ना? हिंदी समझते हैं ना। कौन से गांव के हैं आप जो ये ताज को लेने जा रहे हैं, क्या है ये? बुद्रुक बिबलापुर का है मैं। अच्छा, लेकिन क्या है, वो जमीन हमारा है। ताजमहल, ताजमहल का जमीन जो है हमारा है। पर लोग कहते हैं वो शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में। बनाया उन्होंने, वो सब करेक्ट है, लेकिन जमीन जिस पे बना है ना, वो जमीन हमारा है। वो कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया है उसके ऊपर, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन उन्होंने मारा है, लेकिन क्या है, जमीन हमको बिना बताए मेरे परदाता से सल्टा लिया ना उन्होंने। ओके, हाँ, तो ऐसा वो जमीन हमको वापस मांग दे। क्या अभी मैं शेतकरी आदमी है, किसान आदमी है, मेरे को खाली खेती करना आता है, तो मेरे को उधर खेती करने का है, मेरे पास जमीन नहीं है। अच्छा। तो मेरे को जैसा ही ये 23 सितंबर को अभी हमारा निकाल लगने वाला है, जैसे अपने हक में आ जाएगा, मैं ताजमहल को हटा देगा और मैं वहां पे अपना खेती बाड़ी करेगा। अरे बाप रे, तो इन लोगों ने कौन कौन ताज नहीं देखा? नहीं देखा, देख लो बाबा जल्दी जाके अभी, नहीं तो 23 सितंबर को उधर से थैंक यू होने वाला है सब। हाँ जी, अच्छा पिक्चर में ही देखा, तो प्लीज आप चले जाओ। तो अगर हम इनको देंगे आप मौका देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देगा। मैं जयंती भाई से रिक्वेस्ट करेगा टिकट के लिए। अच्छा, तो वो सब हो जाएगा। तो बाइको आई है आपकी यहाँ पे? बाइको आई है ना, बोला जरा। दोनों बाइको आई है। अच्छा। ऐसा एक बाइको ने बोला, अरे मेरे लिए भी ताजमहल बनाने का। मैं बोला देरी तो तू कर रही है। तो मैं अपना बाइको जो तुकाराम का जो बाइको है, तुकाराम का बाइको को बुलाता है सुनंदा मराठे। ओ सुनंदा, के लिए जोरदार तालियां। ओ हो सुनंदा, क्या बात। सुनंदा, आप कौन से गांव की हो? मैं भी बुद्रुक बिबलापुर की। अच्छा, सेम सेम सेम। हाउ हाउ, अरे बाप रे। अच्छा, तो ये जो आपको मालूम था कि इनके पूर्वज की ये जमीन थी, ये जहाँ ताजमहल बना था, मालूम था आपको? नहीं, मेरे को तो लगन के बाद मालूम पड़ा। अच्छा, तो कैसा कैसा रिएक्शन था, कैसा लग रहा था? मेरे को बहुत अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राउड महसूस किया तुमने? ऐसा क्या ज्यादा वो पैसा दिखता है ना, जमीन एकदम ताजमहल वाला जमीन है। अच्छा, तो ऐसे ज्यादा पैसा दिखेगा तो प्राउड ही लगेगा। इसको बोलो किधर अपना इंटीरियर का, किधर का मराठवाड़ा में किधर अंदर का जमीन देगा, तो बोलेगा नहीं लेगा। अच्छा, उधर की चाहिए, ताजमहल का चाहिए, ताजमहल का चाहिए, ज्यादा मिलेगा ना उधर। अच्छा, एक बात बताओ सुनंदा, कि वहां पर ताजमहल की जब हट जाएगा वहां पे, तो क्या क्या वहां पे पैदा होने वाला है? मैं अपना एक खूबसूरत सा झोपड़ा बनाएगी बाजू में। देखा, देखा, ऐसा होता है, ताजमहल हटा के झोपड़ा बनाएगा। ओके, और वहां पे खेती किसानी होगी? ऐसा जरूर होगी। अच्छा, वो क्या है, अभी आप देखेगा तभी आपको पता चलेगा उधर क्या पहला कौन सा खेती होता था और किधर वो हमारा खेती का सामान किधर सप्लाई होता था। हाँ हाँ। वो सब आपको तुकाराम पिक्चर में बताएगा। अच्छा, तो जैसे कि देखा जाए तो भाई तुकाराम पूरी तरह से तैयार है ताजमहल को हटाने के लिए, बंद करने के लिए। तो आप लोग प्लीज जितना जल्दी हो सके ताजमहल देख लीजिए, क्योंकि आपने कोर्ट से अनुमति ले ली है बंद करवाने की। बिल्कुल, जब तक ये इसका फैसला नहीं होता है। हाँ हाँ। केस का, तब तक मैंने विनंती किया है ताजमहल बंद रखने। पर इतने सालों बाद कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि यार इसको बंद करना चाहिए, मेरी जमीन है, वो कैसे याद आया? क्या है, अभी किसान के लिए जमीन उसका माँ होता है। ओके ओके, और किधर उसको जमीन में, ओके बोला मैं भी, मैं देखा तुम्हारे साथ मैं भी इंग्लिश बोलने लगा। तो किसान के लिए जमीन अभी माँ होता है, उधर किधर उसको खेती करने को नहीं मिलेगा तो वो फिर ढूंढेगा मैं किधर कर सकता है। ऐसा मैं ढूंढ रहा था तो मेरा एक पिटारा में मेरे को मिल गया पेपर। ओके, तो उसके पेपर आपके पास है? हाँ, मेरे को पता चला कि वो ताजमहल का जो पूरा जमीन है ना वो अपना है। तो मैं बोला फिर सही है ना, अभी अपना जमीन है तो उधर जाके खेती करने का अपन, क्योंकि अपने को तो उतना ही आता है। हाँ। है ना, किसान को खाली खेती बाड़ी करना आता है। बरोबर, तो उधर जाके करने का, जमीन मिल गया बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए। वो अभी क्या जमीन पार्लियामेंट का होता था ना। हाँ। तो मैं उधर भी यही करता था। अरे।